अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जिक टीवी। दोस्तों, आज हम उस अजीम शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा और साथ ही शायर मशरक भी कहलाए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम शेख नूर मोहम्मद था। माँ बाप ने आपका नाम इकबाल रखा। अल्लामा इकबाल के बावजूद कबूल इस्लाम के बाद 19वीं सदी के शुरू में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आ गए और मोहल्ला खतिया में आबाद हुए। आपके वालद शेख नूर मोहम्मद हिंदुओं की नस्ल भरमन से थे। शेख नूर मोहम्मद दीनदार इंसान थे, अपने बेटे इकबाल के लिए दीन की तालीम ही काफ़ी समझते थे। शेख नूर मोहम्मद का सियालकोट के उलमा किराम के साथ दोस्ताना ताल्लुक था। अल्लामा इकबाल जब 6 वर्ष के हुए तो आपको मौलाना गुलाम हसन के पास ले गए। मौलाना गुलाम हसन मल्ला शवाला की एक मस्जिद में दरस दिया करते थे। शेख नूर मोहम्मद का इस मस्जिद में आना जाना था और यहाँ से अल्लामा इकबाल की तालीम का आगाज हुआ। हसब दस्तूर कुरान पाक से आपकी तालीम की इब्तिदा की गई। तकरीबन 1 साल तक आपने कुरान पाक की तालीम हासिल की। एक बार सियालकोट के नामवर आलम मौलाना सैयद मीर हसन इसी मस्जिद में तशरीफ लाए जिस मस्जिद में अल्लामा इकबाल तालीम हासिल कर रहे थे। जब उनकी नज़र अल्लामा इकबाल पर पड़ी तो पूछा कि यह किसका बच्चा है, तो मस्जिद से उठकर शेख नूर मोहम्मद की तरफ चल दिए। शेख नूर मोहम्मद और मौलाना सैयद मीर हसन एक दूसरे को जानते थे। मौलाना सैयद मीर हसन ने आपके वालिद मोहतरम को समझाया कि बच्चे को मदरसे तक ही मैं दूर न रखो, मैं इसके चेहरे पर एक चमक देखकर आ रहा हूँ, इसको जदीद तालीम से भी आशना करवाओ। मौलाना सैयद मीर हसन ने आपके वालिद से ख्वाहिश की कि इकबाल को मेरी तरबियत में दे दो। मौलाना की इस बात को लेकर शेख नूर मोहम्मद कुछ दिन तो सोचते रहे, मगर जब मौलाना की तरफ से इसरार बढ़ता चला गया तो अल्लामा इकबाल को सैयद मीर हसन के सपुर्द कर दिया। मौलाना का मकतब शेख नूर मोहम्मद के घर के करीब ही था। मौलाना सैयद मीर हसन के पास अल्लामा इकबाल ने फारसी, अरबी और उर्दू अदब पढ़ना शुरू किया। 3 साल गुजर गए। इसी अरसे के दौरान मौलाना सैयद मीर हसन ने इस्काद मिशन स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लामा इकबाल ने भी इसी स्कूल में दाखिला ले लिया और अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रखी। अल्लामा इकबाल ने एफ ए भी इसी स्कूल में की और यही दौर था जब आपकी शायरी का बाकायदा आगाज हुआ था। शेर व शायरी से आपका लगाव बचपन से ही जाहिर था। आप बचपन में कभी कभार खुद से शेर पढ़ लिया करते थे, मगर उस वक्त आप शेर व शायरी के लिए संजीदा ना थे। ना शेर किसी को सुनाते और ना ही इसको किसी जगह पर लिखते, बल्कि पढ़ने के बाद इसको फाड़कर फेंक देते। लेकिन अब शेर व शायरी आपके लिए मशगला नहीं बल्कि आपकी रूह का हिस्सा बन चुकी थी और इस वक्त पूरा बरस की डाक के नाम से जाना जाता था। खसूसन आपको उर्दू जुबान पर बहुत अबूर हासिल था। 6 मई 1893 को आपने मैट्रिक किया और 1895 में आपने एफ ए किया। इसके बाद आप मजीद तलीम के लिए लाहौर आ गए। यहाँ आपने गवर्नमेंट कॉलेज में बीए की क्लासेस में दाखिला लिया और यहाँ हॉस्टल में क्याम पजीर हुए। आपने अरबी और अंग्रेजी फलसफा के मजामीन का चुनाव किया। आप अंग्रेजी फलसफा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते और अरबी पढ़ने के लिए ओरिएंटल कॉलेज जाते, जहाँ आपको मौलाना फैजुल हसन जैसे बेमिसाल उस्ताद मिले। 1898 में आपने बीए पास किया और इसके बाद एमए फलसफा में दाखिला ले लिया। यहाँ आपको थॉमस आर्नोल्ड जैसे प्रोफेसर मिले जिन्होंने आगे चलकर आपकी इल्मी और फिक्री दुनिया का एक तय्यन मुकर्रर किया। मार्च 1899 में आपने एमए का इम्तहान दिया और पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की। इसके बाद आपने लॉ की तालीम भी हासिल की और कुछ अरसा वकालत भी करते रहे। आपने कायदे आज़म के साथ मिलकर मुसलमानों की आज़ादी के लिए बहुत जिद्दोजहद की। आपने अपनी शायरी से सोई हुई कौम को जगाया। आपकी शायरी की मशहूर किताबें जिनमें बाले जिब्रील, जवेदनामा और ज़रबे कलीम काबिले ज़िक्र हैं। 21 अप्रैल 1938 को आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।